चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। और अगर आप तलाश कर रहे हैं एक ऐसी जॉब जो वर्क फ्रॉम होम पे भी आपको अच्छी खासी अर्निंग दे सके, तो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर कुछ जॉब्स आपके लिए जो एक अच्छा अर्निंग देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो स्टार्ट में सबसे पहले जो मैं जॉब लेकर आई हूँ वो है कंटेंट राइटर। तो कंटेंट राइटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसे आसानी से वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। ठीक है, जो बिजनेसेस होते हैं उनको ज़रूरत होती है अपना जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अपना प्रोडक्ट और अपने बारे में लोगों तक इन्फॉर्म करने के लिए उन्हें एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए वो हायर करते हैं कंटेंट राइटर को। ठीक है, तो ऐसा बिगनर बात करते हैं, आप अगर कंटेंट राइटर सिलेक्ट करते हैं जॉब तो आपको स्टार्टिंग में 15,000 से 20,000 तक आसानी से मिल जाता है। बाकी जब आपका स्किल्स ग्रो होता है उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो टाइम के साथ में बढ़ती जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड जॉब की। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर पर जो जॉब है वो है आपका डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटर का मतलब है एक ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आज के समय में वर्क फ्रॉम होम का। ठीक है, तो जहाँ पर ब्रांड्स प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुँचाते हैं, और ये सब काम कौन करता है, डिजिटल मार्केटर का ये काम होता है। ठीक है, इसलिए जो ब्रांड्स होते हैं वो हायर करते हैं डिजिटल मार्केटर को। इसके अलावा राइट एंड डिस्पैच ईमेल, ठीक है, मार्केटिंग करना, कैंपेन करना, ये सब काम भी एक डिजिटल मार्केटर का होता है। बात करते हैं एज अ बिगनर अगर आप डिजिटल मार्केटर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर सैलरी जो होती है वो है आपकी 20 से 40K। इसके अलावा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा यहाँ पर आपका जो अर्निंग है वो भी बढ़ेगा। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे है ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की डिमांड भी आज बहुत है, वर्क फ्रॉम होम आप इजीली इस जॉब को कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रांड्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उन्हें डिज़ाइंस की ज़रूरत पड़ती है, तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप ब्रांड्स का लोगो बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, और इन सब के लिए ग्राफिक डिज़ाइन की काफ़ी डिमांड होती है। ठीक है, और इसमें अर्निंग स्कोप भी बहुत है। एज अ बिगनर आप जब ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो सैलरी है 35K पर मंथ से स्टार्ट होती है। चलिए हमारे लिस्ट में फोर्थ नंबर पे है वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, तो जो भी ब्रांड्स होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनको एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर्स की ज़रूरत होती है। क्यों? जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है इनकी वेबसाइट को बिल्ड करना, उसे अट्रैक्टिव बनाना और इन्फॉर्म करना, इंटरटेन करना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक वेबसाइट डेवलपर की होती हैं। तो जो ब्रांड्स होती हैं, जो कंपनियां हैं, वो हायर करती हैं वेबसाइट डेवलपर्स को। इसके लिए आपके पास में CSS, HTML, बेसिस ऑफ कोडिंग एंड मार्कअप लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट, SEO, ठीक है, ये सब चीज़ों का आपके पास में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा होता है। अर्निंग रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्निंग रेंज है 10,000 से लेकर के 1 लाख तक हो जाती है। बाकी वही है, एक्सपीरियंस आपके पास में जाता है तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा ही होगी। हमारे इसमें फिफ्थ नंबर पर है डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री आज के समय में हर कोई कर रहा है, एक अच्छा खासा अर्निंग जॉब है और सबसे अच्छा बेस्ट जॉब है घर से करने का। ठीक है, तो डाटा एंट्री की सैलरी की बात करते हैं, स्टार्टिंग अगर यहाँ पर बात की जाए तो एज अ बिगनर आपकी जो सैलरी है वो 15K से लेकर के 30K पर मंथ हो सकती है। उसके अलावा फिर डिपेंड करता है कि आपके पास में कैसे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पर कितना आपको पे हो रहा है। चलिए हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर है ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब ट्रांसलेट करना, और इसके लिए सबसे पहली आपके पास में स्किल होना चाहिए कि आपके पास में कम से कम 2 languages तो आनी चाहिए, जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या फिर जो भी और लैंग्वेजेस होती हैं, मराठी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फॉगन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इनका आपके पास में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये जॉब आपके काम की होगी। ठीक है, तो जो ट्रांसलेटर है यहाँ पर इसकी सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, तो बात की जाए तो स्टार्टिंग जो बिगनर होते हैं वो 30K पर मंथ से तक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वही है, डिपेंड करता है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, आपका स्किल्स अच्छा होगा उस हिसाब से, और डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड या कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है, आप किसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी भी अच्छी हुई होगी। चलिए हमारे लिस्ट में 7th नंबर पर है बिजनेस डेवलपर। ठीक है, ये भी एक अच्छा हाईएस्ट पेइंग वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ठीक है, तो जो बिजनेस डेवलपर्स होता है वहाँ पर भी एक आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सैलरी की बात बता देती हूँ, तो यहाँ पर 25 से लेकर के 30K
एट द बिगनिंग, ठीक है, बिगनर जो होगा उसको बिजनेस डेवलपर में 20 से 35 तक आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है जो 8th नंबर पर, वो है HR रिक्रूटर्स, ठीक है। तो HR रिक्रूटर्स भी एक अच्छा खासा यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी जब सैलरी की बात करते हैं एज अ बिगनर, सैलरी यहाँ पर 22K से स्टार्टिंग है, ठीक। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पर है ब्लॉगर, ठीक है। तो आप जिस किसी चीज़ के भी शौकीन हो, अगर आप ट्रैवलिंग अच्छा लगता है आपको, फूडिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, डांसिंग, एंटरटेनमेंट, जो भी आपके अच्छा लगता है, आप उस पर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इनकम सोर्स बात करते हैं तो आप गूगल एडसेंस से ले सकते हैं, एफिलिएटेड मार्केटिंग से ले सकते हैं, ठीक है। एज अ इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग होती है उससे भी यहाँ पर अच्छा खासा कमा सकते हैं। एज अ स्टार्टिंग अगर बात करते हैं तो 15K से आप मान के चलिए 15K तक स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो हमारी लिस्ट में लास्ट नंबर पर जो जॉब मैं लेकर आई हूँ वो है ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ठीक है। तो अगर आप अच्छे हैं अपने स्किल्स में, अपने किसी सब्जेक्ट में आप माहिर हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट को लेकर के ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, आप किसी वेबसाइट के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो भी अच्छी खासी वेबसाइट हैं जहाँ पर ऑनलाइन ट्यूटरिंग की फैसिलिटी है, जैसे वेदांतु है, भी है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, जैसे बायजूस है। तो इन सब से जुड़ करके आप अपना करियर भी बना सकते हैं और साथ में अपनी स्किल से यहाँ पर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से जुड़े हैं, ठीक है, और वो आपको कितना पे कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा अर्न हो सकता है। स्टार्टिंग एज अ बिगनर आप 15K से स्टार्टिंग कर सकते हैं, फिर जो बढ़ता जाता है आपके एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है। तो ये थी 10 जॉब जो कि कह सकते हैं कि हाई पेइंग जॉब्स हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। कोई डाउट्स हो तो आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो बनाया है 5 ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब विदाउट डिग्री, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।